चीन को ठोकने ब्रह्मोस और प्रलय मिसाइलें हैं तैयार। तो राफेल और तेजस फाइटर जेट भर चुके हैं उड़ान। तो इधर पाकिस्तान को भी लपेट डालने का हो चुका इंतजाम। दुनिया के सबसे खूंखार हेलीकॉप्टर्स की आ रही है पूरी की पूरी फोर्स। पाकिस्तान का जड़ से अस्तित्व खत्म करने की ताकत रखता है ये लड़ाका। अनाउंसमेंट के साथ ही हिल गई पाकिस्तानी हुकूमत, बॉर्डर पर हड़कंप। दोस्तों, गलवान संघर्ष के साथ ही चीन के खिलाफ भारत की तैयारी बुलेट रफ्तार के साथ आगे बढ़ चली थी। चीन ने गलवान में जिस तरह की कायरता दिखाई, उसके बाद तो मोदी सरकार ने भारतीय सेना को चीन के खिलाफ खुली छूट दे डाली। चीन कुछ करे तो भारतीय सेना को ऑर्डर था कि इस बार उनका जवाब हाथों से नहीं बल्कि हथियारों से दिया जाए। उसके बाद चीन ने एक नहीं दो दो बार और घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार चीन पिटकर ही भागा। दोस्तों, आज स्थिति यह है कि चीन की औकात नहीं है कि वो एक भी पैर भारतीय सेना के अंदर रख दे। उसका जवाब देने के लिए भारत की ब्रह्मोस, प्रलय मिसाइलें उसके चिथड़े उड़ाने के लिए तैयार है, तो भारत के राफेल और आर तेजस विमान चीनी सेना का पल भर में वो हाल कर सकते हैं जो उसने कभी सोचा तक नहीं होगा। दोस्तों, सिर्फ LSE पर ही नहीं बल्कि समंदर पर भी भारत ने चीन को जवाब देने के लिए 33 युद्ध पोतों और 10-12 पनडुब्बियों की पूरी सेना उतार रखी है। चीन की जरा सी गलती ही उसे ले डूबेगी। खैर दोस्तों, तो बात हुई चीन, लेकिन आपका सवाल हो सकता है कि क्या भारत ने इतनी भन्याकर तैयारी सिर्फ चीन को लेकर ही की हुई है? क्या भारत ने पाकिस्तान को यूं ही छोड़ दिया है? तो दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कुटिलता में पाकिस्तान चीन का भी बाप है। दोनों ही दगाबाज देश हैं, इसलिए भारत चीन के साथ साथ पाकिस्तान को लेकर भी कोई गलती नहीं करना चाहता है। लिहाजा ऐसी ही शानदार तैयारी है भारत की पाकिस्तान के साथ भी। दोस्तों, इसी तैयारी में भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है, और वो फैसला है आसमान के सबसे घातक शिकारी को पाकिस्तानी सेना के पास डिप्लॉयमेंट। जी हाँ, भारत ने एक ऐसे हेलीकॉप्टर की पूरी फोर्स को पाकिस्तान के पास तैनात करने का फैसला किया है, जो अकेले ही पाकिस्तान के किसी भी हमले का जवाब बड़े ही आराम से दे सकते हैं और किसी भी मिशन को किसी भी मौसम में अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, उस घातक लड़ाके का नाम है अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसकी पूरी सेना ही बॉर्डर पर तैनात होने के लिए रेडी हो रही है। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि भारत का ये लड़ाका कितना घातक है और भारत ने क्यों इस हेलीकॉप्टर को LOC पर तैनात करने का फैसला किया है। दोस्तों, ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो पर इंडियन आर्मी के सपोर्ट में लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही देश की ताकत बढ़ाने वाले इस लड़ाके को करीब से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर्स रेडी हैं पाकिस्तान पर मिशन के लिए। क्या पाकिस्तान पर कुछ बड़ा करने का सोच रही है मोदी सरकार? दोस्तों, सबसे पहले तो ये खबर देखिए आप। सेना के दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान से लगती सीमा पर दुश्मन के किसी भी हवाई और जमीनी हमलों का सटीक जवाब देने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स की पूरी फोर्स तैनात हो रही है। दोस्तों, आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि क्या अपाचे हेलीकॉप्टर इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि ये पाकिस्तान के किसी भी हमले का जवाब दे सकता है? तो एक लाइन में जवाब है हाँ, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को समय के साथ काफी अपग्रेड कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना में जल्द ही 6 नए अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल होने वाले हैं। मई माह तक अपाचे हेलीकॉप्टर के पहुंचने की सूचना है। दोस्तों, अपाचे एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, जिसे नवीनतम तकनीकी प्रगति से लैस किया गया है। अमेरिकी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बोइंग ने भारतीय सेना को दिए जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी जल्द ही करने वाला है। बोइंग की ओर से भारत को कुल 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर मिलना है। अपाचे हेलीकॉप्टर 64E अपाचे की गिनती दुनिया के घातक हेलीकॉप्टरों में की जाती है। इसकी ताकत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि ये मिसाइल के साथ साथ कई उन्नत तकनीक से भी पूरी तरह से लैस रहते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया के प्रमुख लड़ाकू हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है।
अपाचे हेलीकॉप्टर की एडवांस तकनीक और शानदार प्रदर्शन भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों और उसकी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका भी निभाएगा। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की विशेषता की बात करें तो यह दुनिया की उन्नत किस्म के तकनीक से लैस होने के साथ साथ इसमें नाइट विजन सेंसर, जीपीएस गाइडेंस और राइफल की भी सुविधा रहती है। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर दुश्मन के टारगेट को तबाह करने में भी माहिर है। दुश्मन के सीमा में घुसकर हमला करने में भी अपाचे हेलीकॉप्टर सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर के राइफल से एक बार में 1200 गोलियों की लोडिंग हो सकती है। इसके साथ साथ ये एंटी टैंक मिसाइल से भी लैस होता है। अपाचे हेलीकॉप्टर के आने से भारत की हवाई ताकत और इंडियन एयर फोर्स दोनों काफी मजबूत होगा। दुश्मन पर एक साथ टूट पड़ेंगे भारत के 28 अपाचे। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के साथ 2020 में एक डील की थी जिसके तहत भारत को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं, जिनकी तैनाती भारत पश्चिमी बॉर्डर पर करने वाला है। ये नए 6 अपाचे अगले महीने मई में ही मिल जाएंगे। मई में 6 और अपाचे हेलीकॉप्टर के आने के साथ लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की कुल संख्या 28 हो जाएगी। भारत पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का संचालन कर रहा है। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर कोई आम हवाई लड़ाका नहीं है, बल्कि अपाचे हेलीकॉप्टर एक शीर्ष स्तरीय मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो नवीनतम तकनीकी से लैस है और इसे विश्व स्तर पर प्रमुख हमलावर हेलीकॉप्टर के रूप में जाना जाता है। ये लगभग किसी भी मिशन को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, अपाचे हेलीकॉप्टर गार्जियन हेलीकॉप्टर का शामिल होना भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि अमेरिका ने इस हेलीकॉप्टर को भारत की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया है। अब पाकिस्तान और चीन की सीमाएं पहाड़ी इलाकों से लैस है, इसलिए अमेरिका की कंपनी बोइंग ने इन हेलीकॉप्टर्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि ये पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों पर अच्छे से हमला कर पाए। अगर बात करें इसकी बनावट की तो अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका का 2 टर्बो शाफ्ट इंजन और 4 ब्लेड वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर अपने आगे लगे सेंसर की मदद से रात में उड़ान भर सकता है। करीब 16 फुट ऊंचे और 18 फुट चौड़े अपाचे हेलीकॉप्टर में उड़ाने के लिए 2 पायलट होना जरूरी होता है। अपाचे हेलीकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए 2 इंजन होते हैं, इस वजह से इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपाचे हेलीकॉप्टर का डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल है। अपाचे हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता है। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 राउंड गोलियां भरी जा सकती हैं। इसकी फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये एक बार में 2.5 घंटे तक उड़ने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर 60 सेकंड के भीतर 128 लक्ष्यों पर हमला करने और उन्हें नष्ट करने में कारगर है। अत्याधुनिक सेंसर से लैस यह अपाचे हेलीकॉप्टर एक साथ 256 गतिशील लक्ष्यों की पहचान आसानी से कर सकता है। अब आप सोच सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के साथ किसी भी युद्ध को 60 सेकंड के भीतर माहौल बदल सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान के खिलाफ POK की वापसी मिशन पर लगा देना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय हो सकती है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।